सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रियल इंडियन होम एंड किचन को और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है और पराठों के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जैसा कि अभी विंटर चल रहे हैं तो हम तरह तरह के पराठे बनाते हैं, तो अगर हम उन पराठों के साथ में अलग अलग तरह की चटनी बनाएं तो उनसे उन पराठों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ऑनियन, ये 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन हैं जिन्हें मैंने स्लाइस करके रखा है। इन्हें मैंने बहुत फाइनली स्लाइस नहीं किया है, बस आप मोटा मोटा इन्हें काट लीजिए। उसके बाद हमें टमाटर चाहिए जिन्हें मैंने पतला पतला स्लाइस करके रखा है, ये 3 छोटे टमाटर हैं। और ये टमाटर हमें देसी वाले चाहिए, जो खट्टे टमाटर आते हैं वो वाले लेने हैं इसमें। उसके बाद हमें मसाले चाहिए, मसाले भी ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ खड़े मसाले चाहिए। हम मैंने लिया है यहाँ पे 3 लौंग, 2 इलायची, 2 से 3 तेज पत्ते और 2 सूखी लाल मिर्च। इसके बाद हमें चाहिए 1 पिंच हींग का, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे मैंने 6 से 7 कली गार्लिक की ली हैं और 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। तो ये जिंजर गार्लिक है, इसे हमें कूटना है, हमें इसे पीसना नहीं है या ब्लेंड नहीं करना है, इसे बस मोटा मोटा कूटना है। और उसके बाद तेल चाहिए, जो कि 2 छोटे चम्मच चाहिए। तो सबसे पहले मैं पैन को हीट करूंगी और उसमें मैं 2 छोटी चम्मच तेल के डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे इसमें और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच हींग का। अब हमने ये जो जिंजर और गार्लिक को कूटा था, हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे हमें सुनहरा नहीं भूनना है, इसे हमें 10 से 15 सेकंड के लिए बस इसमें फ्राई करना है और उसके बाद हमें ऑनियन ऐड करना है, इसे बिल्कुल भी पिंकिश नहीं करना है। फिर हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा ब्राउन नहीं हो जाता। अब ये ऑनियन अच्छी तरह से पक चुका है, ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ये टमाटर ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, 1/2 छोटी चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और उसके बाद मैं इसे ढक कर रख दूंगी पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए। इतनी देर में ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, भुन चुके हैं। अब इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। अब इसे मैं 1 मिनट के लिए और ढक दूंगी। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 2 चम्मच गुड़ इसमें स्वीटनेस लाने के लिए, जो कि मैं इंग्रेडिएंट्स में ऐड करना भूल गई थी, तो इसे मैं ऐड करूँगी इसमें। आपके पास अगर गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर गुड़ का स्वाद इस चटनी में बहुत ही अच्छा आता है, तो हो सके अवेलेबल हो तो आप गुड़ ही यूज़ कीजिए। गुड़ को आप अगर छोटा छोटा स्लाइस करके डालेंगे जिस तरह से मैंने किया था, तो वो बहुत जल्दी गल जाएगा। अगर आप उसे पूरा डाल देंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे स्लाइस करके डालिए, 1 मिनट के लिए ढकिए और आपकी चटनी रेडी हो चुकी है। तो अभी हमारी चटनी ऑलमोस्ट रेडी है, तो इसमें फाइनल टच के लिए अगर आप चाहें तो 1 चुटकी गर्म मसाला यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारी चटनी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है, ये चटनी बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो प्लीज़ आप इसे घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो इस चटनी को आप गर्मा गर्म पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप इसे फ्रिज में कई दिनों तक रख कर खा सकते हैं, इसमें गुड़ पड़ा हुआ है इसलिए जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो इसे इंजॉय कीजिए।
और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।